नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ नगर पंचायत से नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर आबिद हुसैन सहित 14 सभासदों ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर शपथ ग्रहण की। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे खतौली विधायक मदन भैया, पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस और जिला अध्यक्ष राष्ट्र लोक दल संदीप मलिक सहित विभिन्न नेतागण मौजूद रहे। इस दौरान अधिशासी अधिकारी द्वारा नवनिर्वाचित चेयरमैन और सभी सभासद को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोगों सहित क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे, जहां सभी ने नवनिर्वाचित चेयरमैन और सभासदों का फूल माला पहनाकर और बुके भेंट कर भव्य स्वागत किया। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर आबिद हुसैन ने कहा कि कस्बे में भाईचारा बनाकर विकास की राह पर चलेंगे और क्षेत्र की हर छोटी से छोटी समस्या का निदान कराएंगे। वहीं उन्होंने सभी सभासदों और क्षेत्र की जनता से विकास के कार्यों में सहयोग करने की अपील की। नहीं, देखिए, बहुत बहुत बधाई है इनको और जनता ने जो निर्णय दिया है उसकी ये औपचारिक मतलब जो है ता पूरी हुई है और अब इन्होंने अपना पद संभाल लिया है। आज के बाद से जनता के काम करेंगे। क्या उम्मीद है यानी आपके विधानसभा क्षेत्र में दोनों की दोनों जीतेंगे? नहीं, जनता ने देखिए मतलब जो मोहर लगा दिया, जैसे बहुत से लोगों के सोच रहे थे कि ये कोई अचानक फैसला ले लिया, या अचानक फैसला नहीं था कि खतौली भी जीते, जानसठ भी जीते हैं और जो भी आने वाले चुनाव है हमें उम्मीद है उन सबको जो राष्ट्रीय लोकदल जीतेगा। एक विधानसभा खतौली और दो नगर पालिका, विकास कार्य होगा? देखिए, विकास कार्य तो एक सतत प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया पूरी तरह से जो है ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। किसकी बात का जवाब दे, छोड़िए। आज क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी का माहौल है। गठबंधन के प्रत्याशी आबिद हुसैन साहब जो हैं आज निर्वाचित हुए हैं और हमारे जैसे आपने कहा माननीय विधायक जी हैं खतौली से, मदन भैया जी, ये इनका एक सतत प्रयास रहा है कि अच्छे प्रत्याशी इन्होंने गठबंधन को दिए, डॉक्टर आबिद हुसैन शाहनवाज जी। और आपने देखा कि लोनी में भी नगर पालिका जो इनका पहले विधानसभा गृह क्षेत्र है वहाँ पर भी गठबंधन जीता है। तो इस प्रक्रिया में मैं मानूंगा कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं मदन भैया जी जो हैं इनका एक अच्छा प्रयास रहा है कि अच्छे प्रत्याशी चुने गए और जिनका गठबंधन को जो है सर्व समाज का इनको समर्थन मिला और प्रेम मिला जिससे ये जीत हासिल हुई है। अच्छा, खतौली विधानसभा की दोनों नगर पालिका और नगर पंचायत जीत चुके हैं, विकास को लेकर जनता का उम्मीद है? देखिए, विकास का जो पैसा जनता के लिए, जो भी विकास का पैसा आएगा, हमारे माननीय विधायक जी हैं मदन भैया जी, वो आपने खेकड़ा विधानसभा अगर देखी हो तो इन्होंने वहाँ निरंतर ये चार बार वहाँ से विधायक रहे हैं, इन्होंने वहाँ बहुत अच्छा विकास किया है और आगे भी आप अच्छे विकास की उम्मीद रखिए। ये तो हमारे साथ खतौली विधायक मदन भैया और साथ में पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस जी, इन्होंने अपने कार्यों को जो आने वाली विधानसभा क्षेत्र में दोनों नगर पालिका नगर पंचायत उनको लेकर बात की। आगे हम बात करेंगे नगर पंचायत के चेयरमैन आबिद हुसैन से और इनसे जानेंगे कि अब क्या होगा। बस अब इंशाल्लाह पूरे परिवार को जोड़कर चलूंगा और कस्बे के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा। विधायक जी का हमें पूरा साथ मिलेगा और इंशाल्लाह कस्बे में सौहार्द बनाए रखते हुए विकास की ऊंचाइयों तक इस कस्बे को पहुंचाना है। इंशाल्लाह उम्मीद रखें, कस्बे वालों को, आवाम को कोई मायूसी नहीं होगी। प्राथमिकता तो बस ये रहेगी, सबसे पहले तो विकास कार्य तो होना ही है, लेकिन भाईचारा, सबसे पहले भाईचारा जीता है और भाईचारा बनाए रखना है। बिल्कुल उसी पर काम करेंगे, गठबंधन का जो भाईचारा है उस पर हमेशा काम करते रहेंगे और करते आए हैं इंशाल्लाह। ये तो हमारे साथ खतौली विधायक के साथ साथ जानझट चेयरमैन आबिद हुसैन जिन्होंने अपनी प्राथमिकता भाईचारे को बताया। हल चलने के लिए औसाफ अहमद के साथ हिमांशु पाल। मुजफ्फरनगर के जानसठ नगर पंचायत पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। आज आबिद हुसैन जिन्होंने शपथ दी है, शपथ लेने के बाद क्या इनके कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह से जनता के बीच ही काम करेंगे? आबिद जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपने आज शपथ ग्रहण की है, क्या आगे के कार्यक्रम रहेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे? शुक्रिया हलचल इंडिया का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज शपथ ली है और इंशाल्लाह आज हम मुकम्मल औपचारिकता जो आज पूरी हुई है, जो औपचारिक रूप से मैं आज नगर पंचायत अध्यक्ष बन गया हूँ, तो इंशाल्लाह अब जो शुरुआत करेंगे, अब अपने सभासदों से मिल बैठ के उसमें मशवरा करेंगे और इंशाल्लाह विकास कार्य को बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या सोचा था अगर नगर पंचायत का चेयरमैन बनेंगे तो सबसे पहले कौन सी खामी होगी जिसे दूर करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जो एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि भाईचारे में मैं इलेक्शन लड़ा हूँ और मैं भाईचारे को कायम रखूँगा, सबसे पहले वो मेरी प्राथमिकता वही रहेगी। रही बात विकास की, विकास कार्य तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होगी इस कस्बे को, पूरा पूरा विकास कराएंगे, सड़कें, नाली, पानी, ये तो
चेयरमैन का मेन काम तो ये होता है, लेकिन इसमें हमारे कस्बे में एक तो रोडवेज बस स्टैंड जिसका हमने वादा भी कर रखा है, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और मंडी का हमने बहुत वादा कर रखा है। एक नेशनल हाईवे निकल रहा है, इसमें पानी की निकासी की बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और सड़कें बहुत नीची हो जाएगी, तो इंशाल्लाह इसको हम शुरू करेंगे। अच्छा, जो टैक्स सुविधा होती है उसमें कहाँ तक राहत दी जाएगी? देखिए, टैक्स सुविधा में हम किसी को अतिरिक्त भार नहीं डालेंगे, जो जिसका हिसाब होगा उसी हिसाब से हम अपने कस्बेवासियों पर अतिरिक्त कोई भार नहीं डालेंगे। जी, मूलभूत सुविधाओं पर नगर पालिका चलती है, सड़कें, बिजली, पानी, खंभे, स्ट्रीट लाइट, इन पर चलती है। जो नई बस्तियां बनी हैं, जो नए आबादी आई है, उनके लिए क्या मुहैया कराया? मलिन बस्ती में हम बिल्कुल सड़कें, जिस चीज़ की वहाँ कमी होगी, पाइपलाइन की है, जो नई सड़कें बननी है, और जो अभी वहाँ विकास की जो बहुत सारी पानी की व्यवस्था नहीं होगी, खंभों की व्यवस्था, इंशाल्लाह नगर पंचायत उसको पूरा करेगी इंशाल्लाह पूरा करेगी। जनता ने काफ़ी आपको भरोसा जताया है, क्या कहेंगे जनता? जनता का मैं तहे दिल से बेहद शुक्रगुजार हूँ, और इस कस्बे की आवाम का मैं शायद, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि 10 साल पहले मौका दिया है और अब 18 साल के बाद, यानी 15 साल दूसरों की चेयरमैन रही है और फिर 18 साल के बाद फिर इसी परिवार को ये कराया, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं किसी अल्फाजों से इनका शुक्र अदा कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन लोगों को मैं कभी मायूसी नहीं होने दूँगा इंशाल्लाह। डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वैसे भी आप इलाज करते हैं, इस जो भ्रष्टाचार और जो कहीं ना कहीं कहते हैं कमियाँ, उनका इलाज कैसे? इंशाल्लाह ये पूरा मुझे बहुत अच्छी तरह है वो है कि इंशाल्लाह कोई भ्रष्टाचारी कोई कहीं से कहीं तक भी नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन, जिन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई और अपने कार्य की योजना बताई। हलचल इंडिया के औसाफ अहमद के साथ हिमाचल। वक्त हो चला है आप विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।